बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर तो कई बार कई बातें सामने आई हैं। यहाँ तक कि इस इंडस्ट्री और ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे के डार्क सीक्रेट्स के बारे में भी कई बार कई एक्ट्रेस ने खुलकर बात करने की कोशिश की है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने भी इस इंडस्ट्री के बारे में खुलकर मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, यहाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का फंडा चलता है। कंगना के बाद अब बॉलीवुड की हॉटेस्ट एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने भी अपने बयान से सबको हैरान कर दिया है। मल्लिका शेरावत ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बड़ा शॉकिंग खुलासा किया है। मल्लिका ने कहा, अगर हीरो रात के 3 बजे घर बुलाता है तो आपको जाना पड़ेगा वरना फिल्म से आउट। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत हमेशा ही सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहती हैं। यही कारण है कि एक्ट्रेस ये स्वीकार करने में संकोच नहीं करती कि कास्टिंग काउच ने फिल्म इंडस्ट्री में उनके करियर को प्रभावित किया है। वो कहती हैं कि सभी ए लिस्टर हीरोज ने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं समझौता नहीं करती। मल्लिका ने अपने हालिया इंटरव्यू में काफी कुछ बताया है और उनकी बातें वाकई सनसनी पैदा करने वाली हैं। मल्लिका ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ अपने हालिया इंटरव्यू में कहा, ये बहुत आसान है, एक्टर्स ऐसी हीरोइनों को पसंद करते हैं जिन्हें वे कंट्रोल कर सकते हैं और जो उनके साथ समझौता करेंगी। मैं वो नहीं हूँ, मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, मैं खुद को किसी की सनक का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। 45 वर्षीय एक्ट्रेस हाल ही में फिल्म आर के में दिखाई दी। समझौता से उनका क्या मतलब है, यह साफ करने के लिए उन्होंने कहा, अगर हीरो आपको रात के 3 बजे कॉल करता है और कहता है मेरे घर आओ तो आपको जाना होगा। अगर आप उस सर्कल में हैं और आप वो फिल्म कर रहे हैं तो आपको जाना होगा, अगर आप नहीं जाते हैं तो आप फिल्म से बाहर हो गए हैं। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को साल 2004 में आई फिल्म मर्डर में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के लिए जाना जाता है, लेकिन इन बीते सालों में वो सिल्वर स्क्रीन से गायब थी। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा, मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, मैंने अच्छे रोल्स खोजने की भी कोशिश की, मैंने कुछ गलतियाँ की जैसे हम सब करते हैं, कुछ भूमिकाएं अच्छी थी, कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, ये एक एक्टर की जर्नी का हिस्सा है, लेकिन कुल मिलाकर यह शानदार रहा। मल्लिका के फिल्मी करियर की बात करें तो एक्ट्रेस द मिथ, हिज पॉलिटिक्स ऑफ लव और टाइम रेडर्स जैसी फिल्में की हैं। आगे उन्होंने कहा, मैं हरियाणा से हूँ, मुझे मर्डर फिल्म करनी पड़ी जो इतनी फेमस हो गई कि जैकी चैन ने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया। मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से 2 बार मुलाकात की। फिलहाल मल्लिका अपने करियर में मिलने वाले ऑफर से बेहद खुश है। वेल, मल्लिका के इस बयान पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए बॉली न्यूज हब।